विश्व हरिका राजस्थान कनेक्शन, राजस्थान के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से कनेक्शन का खुलासा हुआ। दौसा में हर्षवर्धन के घर बाबा के अस्थाई डेरे का खुलासा हुआ। बता दें कि हर्षवर्धन के घर पर हर महीने में दरबार बाबा का लगाया जाता था और दरबार की आड़ में पेपर लीक रैकेट भी चलाया जा रहा था। आपको बता दें 5 साल तक हर्षवर्धन के घर ये बाबा रहा और बाबा का अस्थाई डेरा पेपर लीक केस में एसओजी के एक्शन के बाद यहां पर दरबार जो है वो लगना बंद हो गया। जिस तरह से इसकी भनक उठी और एसओजी को जानकारी लगी और एक्शन लिया गया, जिसके बाद ये दरबार लगना बंद हुआ। इस साल फरवरी में हर्षवर्धन के घर पर ये दरबार लगाया गया था। मैनपुरी में बाबा नारायण साकार के जिस राम कुटीर आश्रम पर पुलिस पहुंची थी, उसी आश्रम के अंदर की तस्वीरें न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद हुई हैं। बिल्कुल, देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डवास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो पहली बार बताएगी बाबा के आश्रम के अंदर आखिर क्या था। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो टेंट का सामान है वो यहाँ पर मौजूद है और ये लाठी डंडों के साथ, लेकिन हमें तो अपने आश्रम से निकलते हुए देखा था। भैया तो काय तरह तरह की बात है, आश्रम से निकलते हुए देखा था अभी आपको। तो यहाँ पर क्या बाबा का सामान रहता है अंदर? नहीं, कुछ नहीं रहता। तो आप आए कहाँ से? अरे हम कहीं से आए हैं, आपसे क्या लेना देना। तो ये तो पूछ सकते हैं कि भाई आप आश्रम से निकले हैं, बाबा को आपने देखा अंदर है क्या बाबा? अरे बाबा जो हों कोई तब तो बाबा को देखें, न बाबा यहाँ कोई है न कोई हम जाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भक्त जन है वो यहाँ पे रहते हैं और देखिए जैसे हम आए उसके बाद यहाँ पे ताला लग जाता है। तो ये स्थिति है जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। भाई आप आश्रम के अंदर रहे, आश्रम के अंदर क्या स्थिति है? रात भर लाइट नहीं थी भाई साहब, आप आश्रम में थे, लाइट नहीं थी? मैं अभी आया हूँ, हमने देखा था आपको आश्रम से निकलते हुए। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की यहाँ पे स्थिति है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया। आश्रम में रहने वाले जो, क्योंकि हमने इनकी चप्पल से नहीं पहचाना था, जो रात के समय कथित ब्लैक आर्मी कहा जाता था वही लोग यहाँ के अंदर मौजूद थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे ताला लगा दिया गया और सामने आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी उनका पीछा किया जाए। और ये स्थिति हमने पहले भी देखी थी जब लोग मौजूद थे। आप बाबा के भक्त हैं क्या? तो फिर अभी तो आपने बाबा को धोख लगाई थी, आप भी वक्त नहीं है? अरे भैया कोई नहीं, क्यों पीछे पड़े? अच्छा लट क्यों रखा हुआ है, डंडी क्यों रखी हुई है? रखे तो तुम ये क्यों पकड़े? हमारा तो काम है, आप चरवाए हैं क्या? आप चरवाए हैं क्या? अभी आपको देखा अंदर से जाते हुए आपने? कुछ नहीं देखा आपने? देखा कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे आप देखिए एक और भक्त है, उनके पास चलते हैं। तो इस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गेट खुलेगा और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी। और यहाँ पर भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुछ, अभी आपने माथा वाथा टेका था? नहीं। भक्त है आप यहाँ के? अंदर रहते हैं? नहीं। कहाँ के रहने वाले? मुझे नहीं पता कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा के पास आते हैं, आश्रम से निकलते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछना चाहते हैं तो बताते नहीं है। उनके पास लाठी किस लिए ये नहीं बताते हैं। तो ये स्थिति नजर आती है और अंदर भी काफी सारे लोग हैं। भाई साहब बाबा है क्या अंदर? तो यहां से जा चुकी है, मैं चाहूंगा कि जो कैमरा सहयोगी है वो नीचे से दिखाएं कि कैसे यहां पर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जो पहले गाड़ी नहीं थी, और एक नहीं बल्कि कई लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। हमने बाबा का आपको वो आउट हाउस भी दिखाया जहां पर भक्तों के लिए सामान रखा हुआ था, हालांकि वहां हमारे पहुंचने के बाद पूरी तरीके से बंद हो गया। और यहां पर देखिए कि एक गाड़ी है जो सफेद रंग की है, शायद इसे वाइट डिजायर, मारुति की डिजायर कहा जा सकता है, और जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हमें इस वक्त नजर आ रही है, बाहर पुलिस की मौजूदगी है। और ये पहली तस्वीरें हैं जो कि अंदर जब हम देख रहे थे तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जा सके। भाई साहब अंदर आ सकते हैं क्या? एक बार नीचे से भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है बल्कि हमें, अगर नीचे से दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी, तो यहाँ पे हमें तीन गाड़ियां नजर आ जाएंगी। एक रेनॉल्ट की है और इसके अलावा दो मारुति की गाड़ियां नजर आ रही है, और एक इसमें से एमयूवी है, एक हैचबैक है और एक सेडान है, और उसके अलावा एक बाइक और एक स्कूटर भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। और भक्तों से जब हमने बात करने की कोशिश की कि इनके पास जो लाठी है, जो डंडा है, वो किस लिए है, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने आउट हाउस भी दिखाया,
है कि किस तरीके से जो आउट हाउस है उस आउट हाउस में भक्तों का सामान रखा हुआ, और ये भक्त हमारे सामने आश्रम से निकले, लेकिन जैसे हम पहुंचते आश्रम में आश्रम का गेट बंद हो जाता है। जब आउट हाउस पहुंचते हैं तो वहां पे हमें दरी चद्दर खाने पीने का सामान नजर आता है, लेकिन वो उस पर भी ताला लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति है जो फिलहाल सुबह की पहली किरण के साथ नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल वास, न्यू स्टेट मैनपुरी। एक और जहां हाथरस हादसे के पीछे बाबा नारायण साकार हरि